वैसे तो एक कहानी नहीं सच्चाई है, क्योंकि जब भी किसी औरत को बार बार लड़की पैदा होती है तो दोष हमेशा उस औरत को दिया जाता है, जबकि दोष हमेशा मर्द का होता है, क्योंकि मर्द के पास एक्स वाई होता है और औरत के पास एक्स एक्स। अब इसी को समझाने के लिए जयेश भाई अपने पिता के पास जाते हैं। उनके पिता जो गाँव के सरपंच हैं और एक पंचायत में बैठे होते हैं। एक लड़की उठकर बोलती है, हमारे स्कूल के सामने लड़के लोग दारू पीकर लड़कियों को परेशान करते हैं, सरपंच जी दारू बंद करा दीजिए। अब सरपंच जी कहते हैं हमें दारू पर नहीं साबुन पर रोक लगानी चाहिए। उनका मानना है अगर लड़कियां खुशबूदार साबुन से नहाएंगी तो लड़के लोग जोश में आएंगे ही। सरपंच जी अपने बेटे जयेश को अपने बात गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं, और उनके बाद उनके बेटे को जो जयेश भाई की पत्नी को नहीं हो रहे थे, उनकी पत्नी जो अभी के वक्त गर्भवती है, सभी को पूरा आशा है कि अब की बार लड़का होगा। इसी की आस में माँ के पास विनती करने के लिए जाते हैं, जहाँ माँ सिर हिलाए तो लड़का होगा, अगर नहीं हिलाई तो लड़की। वैसे तो माँ का सिर हिला नहीं, लेकिन ये देखकर उनके पिता का सिर जरूर हिल गया। अब भी उनके पिताजी को विश्वास नहीं होता है और दिल को तसल्ली देने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर जांच करती है, तभी जयेश की माँ बोलती है अगर डॉक्टर जय श्री कृष्ण बोलती है तो लड़का होगा, अगर जय माता दी बोलती है तो लड़की होगा। लेकिन जयेश की माँ को लड़की पैदा हो ऐसा मंजूर ना था। वो बोलती है अगर लड़की पैदा होगी तो उसका गला दबा देंगे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। हाँ सही समझे, लड़की हुई। अब उस लड़की के ऊपर खतरा आने वाला है, लेकिन इस खतरा को टालने के लिए जयेश भाई अपने पत्नी के साथ घर छोड़कर भाग जाते हैं। लड़की पैदा होने के बाद जयेश भाई लड़की को लेकर अपने घर आते हैं, जहाँ जयेश भाई के पिता उनको कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि एक और बच्चा पैदा करने को कहते हैं, जिसे सुनकर जयेश भाई कुछ ऐसा करते हैं। तो ये देखकर आपको क्या लगता है, जयेश भाई को अपना कटवा देना था? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जयेश भाई जोरदार जैसे फिल्मों की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आपकी भी कट सकती है।